गाइस कैसे हो आप सब। मेरा नाम शुभम सानी है और मैं फिटनेस को भी वीडियो बनाता हूँ। सो आज का टॉपिक हर वर्ड की तरफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक है इनक्रेडिबल बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट ऑफ बनाना। सो ये टॉपिक इसलिए है कि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपका रियल लाइफ में बहुत काम आने वाला है। मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, अगर आप बने रहते हैं तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे, अगर आप स्किप करते हैं तो आराम करके कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि कहीं पे अगर आप स्टिक होके देखते हैं तभी कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, उसको सुन लो आप, फिर आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। कोई इंसान जिम जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, तो उसके लिए बनाना वर्कआउट करने के पहले, एक्सरसाइज करने के पहले, और बहुत ऐसा पॉइंट है जिसको मैं टच करने वाला हूँ। सो आप कनेक्ट रहो और देखते रहो कैसे क्या करना है, नहीं करना है, और किस किस पॉइंट पे वर्क करना है, किस किस पॉइंट को मैं टच करने वाला हूँ, सब देखो, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड नाउ। पहला जो पॉइंट है वो है एंटी ऑक्सीडेंट। बनाना में जो एंटी ऑक्सीडेंट है बहुत पावरफुल, यू नो, पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके पहले मैं वीडियो बनाया था पोमेग्रेनेट, अगर आप नहीं देखे तो जाओ वहाँ जाकर देखना कि पोमेग्रेनेट में कितना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, उसमें भी बहुत अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। उस तरह से इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट, यू नो, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। असल में क्या है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप लेते हैं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगा ही। सबसे पहला फ्रूट्स और वेजिटेबल में बहुत हाई अमाउंट में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। तो यही है कि आपको एंटीऑक्सीडेंट का जो है किसी भी तरह का कोई कमी नहीं होगा, आपको हमेशा मिलता रहेगा अगर आप वेजिटेबल और फ्रूट्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो भूलना नहीं चाहिए दैट दे कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ, यू नो, पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट इंक्लूडिंग डोपामिन एंड कैटेचिन। या तो ये था सबसे पहला पॉइंट एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। सो अब मैं दूसरे पॉइंट पर फोकस करूंगा। आप बने रहो और देखते रहो, जब तक देखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सो यार पहला पॉइंट एंटीऑक्सीडेंट। अब है मेरा दूसरा पॉइंट, वो है कीप योर स्किन हेल्दी। या सो यहाँ पे देखा गया है कि लोग अपने स्किन को ग्लो करने के लिए बहुत तरह का केमिकल्स यूज करते हैं, राइट, एक इंस्टेंट निखार के लिए, लाइक जिससे कि एक शॉर्ट टाइम होता ना कि बस एक दिखा रहा हूँ बात खत्म। या तो ये चीज दिखावटी का होता है जो कि बहुत इंस्टेंट और शॉर्ट टाइम का होता है, एक होता है इंस्टेंट, एक होता है परमानेंट। तो आप बताओ क्या चूज करना है, इंस्टेंट या परमानेंट। अगर आप परमानेंट चूज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के थ्रू जाना होगा। अगर आप केमिकल्स चूज करते हैं तो बहुत सारे पड़े हुए हैं। या सो यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ दैट व्हाट यू हैव टू चूज, राइट। या सो यहाँ पे अगर आप बनाना लेते हो तो आपको स्किन का जो है ना वो, या वो नेचुरल ग्रोथ हमेशा रहेगा, वो कभी जाएगा नहीं। या अगर आप इसको नहीं लेते और ज़्यादा केमिकल्स पे फोकस करते हैं तो कुछ नहीं कह सकते। या इट्स योर चॉइस। सो सबसे जो सेकंड पॉइंट था वो यही है कि आपके स्किन में बहुत इंप्रूवमेंट लाता है, सो आपको बनाना लेना चाहिए। सो अब मैं फोकस करूँगा तीसरे पॉइंट में। सो आप बने रहो और देखते रहो। थर्ड पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा आपको अपने लाइफ से। थर्ड पॉइंट कुछ ऐसा है कि दैट बूस्ट योर एनर्जी लेवल। कोई भी काम करते हो आप ऐसा फील करते हो कि मैं बहुत थक रहा हूँ, लाइक शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा थकना होता है। या तो कोई गेम खेल रहे हैं, तो कहीं दौड़ रहे हैं, तो रनिंग कर रहे हैं, तो बहुत तरह के लोग बहुत तरह के काम करते हैं ना, कोई स्पोर्ट्स से कनेक्टेड है ना, तो उसमें क्या है कि लोग बनाना का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए ताकि एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, बरकरार रहे और वो बहुत काम आए। या तो बनाना का पहुंच का यूज होता है। क्रिकेटर्स को आप देख लो ज़्यादा बनाना फोकस करते हैं, टेनिस प्लेयर को देख लो बनाना फोकस करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि एनर्जी लेवल में बहुत बूस्ट लाता है। सो यहाँ पे मेरा जो तीसरा पॉइंट था वो ये है कि आपका एनर्जी लेवल में बहुत बूस्ट लाता है। सो इट्स बेसिकली बूस्ट योर एनर्जी लेवल, यू नो, तो आपको बनाना लेना चाहिए। तो ये रहा मेरा तीसरा पॉइंट। अब मैं फोकस करूँ मैं चौथे पॉइंट में, तो प्लीज बने रहो। जब बनाना का बात आए
इस टॉपिक पे बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल फिक्स है कि इस टॉपिक पे बात होना ही है, जिसका नाम है प्री वर्कआउट फूड। हम लोग वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, चाहे जिम में हो या नॉर्मल हो। तो ऐसा कहा जाता है कि पेट भर के खाना वो नहीं होता, एक न्यूट्रिएंट्स, एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को लेके फिर एक्सरसाइज करना, ये सबसे सही होता है। तो प्री वर्कआउट फूड का क्या मतलब, क्या मतलब था कि बनाना उसमें एक ऐसा फूड है जिसको आप लेके अगर आप करते हो वर्कआउट तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा और आप एक्सपेक्टेशन के बाहर भी आप कर सकते हैं कंटिन्यूसली, या जितना चाहो उतना वर्कआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बनाना का बहुत हाई लेवल का रोल है। इसे ऐसे ही कोई एथलीट, कोई क्रिकेटर, ऐसे ही कोई नहीं बनाना यूज करता, बहुत रीजन है गाइस। तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज। तो बनाना का बहुत ज्यादा रोल है। आप अगर वर्कआउट करने जाते हैं या अपना डे का स्टार्ट करने जाते हैं तो बनाना अगर आप यूज करते हैं तो आपको बहुत एनर्जेटिक फील होगा और आप कंटिन्यूसली अपने काम पे फोकस कर सकते हैं, चाहे आप जो भी कर रहे हो। सो बनाना का जो ये फोर्थ पॉइंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट प्री वर्कआउट फूड एक्सरसाइज करने के पहले अगर आप बना लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, आपको एनर्जी का जो लैक होता है ना वो देखने को नहीं मिलेगा। तो आप कंटिन्यूसली करोगे, आपको एनर्जी मिलेगा, आप एक्सपेक्टेशन जितना कर रहे हैं कि मुझे एक घंटा करना है, आप एक घंटा करने के बाद ही बोलोगे कि यार मुझे और करना है, राइट। तो ये सब कैसे होता है, ये होता है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो आप लेते हैं तो वो और करवाता है, इसीलिए बनाना का यूज बहुत ज्यादा होना चाहिए। सो ये था मेरा फोर्थ पॉइंट। अब मैं फोकस करूंगा फिफ्थ पॉइंट, सो प्लीज स्टे ट्यून। एक तरह का देखा जाए तो ये एक डिजीज हो गया है लोगों में, डाइजेशन का प्रॉब्लम हर घर में एक एक इन्फेक्शन की तरह फैल रहा है। शुगर हुआ, डाइजेशन नहीं होता, इस तरह का जो रोग है ये बिल्कुल ऐसे फैल रहा है जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो। तो ये डाइजेशन का प्रॉब्लम होने का रीजन भी यही है कि आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण आपको गैस हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे बनाना लेने से आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बनाना का बहुत बड़ा रोल है अगर आप एक सही टाइम में लेते हैं तो, सुबह उठते ही अगर आप बनाना लेते हो, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को लो भी करता है बनाना। तो आपको ये भी समझो, ये भी एक पॉइंट है, मैंने बस बता दिया, ये भी एक मेरा पॉइंट था जो कि मैं इसके साथ रिलेट कर दिया कि आपको अगर बनाना लेते हो तो पहला आपका डाइजेशन तो आपको सही हो गई, साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी को भी कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर को अगर कंट्रोल करता है तो आपको कल होके किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो डाइजेशन का जिसको भी प्रॉब्लम है वो चीज बनाना को लेने के बाद नहीं होता। तो बनाना के यूज जैसे मैं बोला कि बहुत ज्यादा वाइटल है, ये एक सीमित नहीं, वो किसी भी चीज के साथ रिलेट कर जाएगा, बनाना ऐसी चीज है तो आपको लेना चाहिए। तो डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो आपको बनाना लेना बहुत ज्यादा कंटिन्यूस हो गया अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना। आप कहीं भी जाते हो, वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो या कुछ भी करते हैं, आप कोई भी काम करने से हाँफने लगते हैं तो उसमें वो चीज बहुत काम आता है। सो ये मेरा पांच पॉइंट था। कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लोगों को बताओ कि क्या क्या पॉइंट है और जो कि मैं नहीं बता पाया और आप समझना चाहते हैं। सो मुझे बताना, मैं और बताऊंगा और पॉइंट्स को मैं बाहर लाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सो मैं इस पॉइंट पे और वीडियोस बनाऊंगा नेक्स्ट डे। सो आप प्लीज बने रहना मेरे चैनल के साथ, मेरे वीडियो के साथ। मैं और भी मेरे बहुत सारे पॉइंट्स हैं बनाना के ऊपर कि इनक्रेडिबल हेल्थ बेनिफिट और क्या क्या हो सकता है इसका, मैं और बताऊंगा। ये मेरा पांच पॉइंट है जो कि आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है और बहुत सारे पॉइंट मेरे को पता है इनक्रेडिबल बेनिफिट हेल्थ बेनिफिट ऑफ बनाना का।
मैं सारे पॉइंट्स को बाहर करूंगा। पहले ये जो 5 पॉइंट था इसके ऊपर एनालाइज होना चाहिए, काम होना चाहिए, यू नो, तब जाके कोई बात हो। क्योंकि लाइफ में अभी कंडीशन देख रहे हो, ये बिल्कुल लॉकडाउन पे लॉकडाउन चल रहा है या, और जितना आप इंटरनली यू नो इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग रखेंगे, आई डोंट थिंक किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो। अगर इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं है, इंटरनली आप वीक हैं, तो ऊपर से आप मास्क लगा रहे हैं फिर भी आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे वायरस नहीं अटैक करेगा। डेफिनेटली करेगा, अगर इंटरनली इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं है और आप बाहर से दिखाने के लिए मास्क लगा रहे हैं तो ये एक बुलशिट है। आपको इंटरनली स्ट्रांग रहना चाहिए, जिसके कारण इन्फेक्शन आपको घर बनाता है। इन्फेक्शन कब पकड़ता है किसी को, जब वो पेशेंट सामने से इंटरनली वीक नजर आता है। तो वीकनेस के ऊपर ही लोग अटैक करते हैं, आप नॉर्मल चीज़ों से ही समझो, वीकनेस के ऊपर ही लोग ज़्यादा अटैक करते हैं। तो वायरस क्या चीज़ है, वायरस तो नॉर्मली करेगा या वायरस तो चीज ही बना है वीकनेस के ऊपर अटैक करने का या। तो अगर इंटरनली कोई इम्यूनिटी पावर इसका स्ट्रांग है तो फिक्स है कि कोई वायरस अटैक नहीं करेगा। जैसे कि कोई बॉडी बिल्डर है, कोई मसल जिसका बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत चौड़ा है, उसको कोई कुछ कह सकता है, नहीं कह सकता। लेकिन एक कमजोर लड़का है सामने, उसको रैगिंग करेगा, नेगेटिव बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, लेकिन उसके जस्ट दूसरी जगह कोई लड़का है जो बहुत स्ट्रांगर है, उसको कोई कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। वैसे ही वीकनेस के ऊपर जब भी बात होती है ना, तो लोगों का वहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट हो जाता है, नेगेटिव वहाँ पे या। तो आप समझ सकते मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो वीकनेस के ऊपर ही काम होता है सबसे ज्यादा नेगेटिवली। वायरस का रोल भी यही है कि जहाँ आपका वीकनेस दिख रहा है वहां पे वो अटैक करेगा। तो इंटरनली अगर आप इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग नहीं रख रहे तो फिक्स है कि आपको कोई भी वायरस कनेक्ट कर जाएगा या घर बना लेगा। सो इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करने के लिए ही इस पॉइंट्स को बताया गया। आशा करता हूँ पसंद आया है। मैं जानता हूँ वीडियो बहुत लंबा है, बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। सो कैसा लगा वीडियो प्लीज सबको बताना, सबको शेयर करना, और थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।